नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज और मैं मोहम्मद जावेद अम्बेडकर नगर था सुल्तानपुर। आइए आपको आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आलापुर अम्बेडकर नगर जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने आलापुर तहसील क्षेत्र के पूर्वी छोर पर स्थित राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कमहरिया एवं आराधी देवारा में नाव एवं ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता रखने का निर्देश दिया। मालूम हो घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर अराजी देवारा माझा कमहरिया गांवों के कुछ हिस्से में नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ के संभावित खतरे के मद्देनजर प्रशासन की ओर से शासन के निर्देश पर चौकसी बरती जा रही है। हालांकि कल अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव ने आलापुर उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज, क्षेत्राधिकारी राम बहादुर सिंह, थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज अतुल श्रीवास्तव, राजे सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी समेत अन्य माथा कर्मियों के साथ निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी आज अपने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित किसानों, पशुपालकों एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी विभागों को हमेशा तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आलापुर सकिल मध्य रामबाग में पीएसी की फ्लड कंपनी तैनात की गई है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। सकिल में जहां भी आवश्यकता होगी वहां मध्य में होने के कारण आसानी से पीएसी की फ्लड कंपनी पहुंच जाएगी। सही रही है, सबसे बढ़िया। मनीष भैया यू जाई कहीं नहीं जाएगा, कहीं जाएगा मनीष भैया। आप पीछे चलो, हम और डर लगे थे, सही बताइए जवाना चला चीज बढ़ गया हो बचा निकले जो होंगे ना ले चला पीछे हम लोग ठीक है।
थोड़ा इधर देखो बाबू, बाबू इधर। हाँ सर, आपने पहाड़ क्षेत्र का दौरा किया है, क्या मिला सर? और आपने वो भी बांटा है, जनपद अंबेडकर नगर में हर बार की बाढ़ में कुल मिलाकर 23 ग्राम पंचायतें जो हैं बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होती हैं। अभी वर्तमान समय में हमारी आलापुर तहसील के 2 गांव और 1 गांव जो है टंडा तहसील का, जो कि बाढ़ से प्रभावित है। इस वक्त हम लोग आज जो अपनी पूरी टीम को लेकर हम लोग यहां पर, जो हमारा मांझा कमरिया और अराजी दीवारा जो है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, और अभी स्टीमर जो PAC की हमारी स्टीमर है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जगह जगह जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज़ बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है उसका पूरा निरीक्षण किया है। और हमारे साथ बरौन प्रखंड के इंजीनियर साहब भी थे और उनको निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसको आज ही ड्रोन कैमरे से इसका पूरा सर्वे कराकर इसके लिए एक तत्काल प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे कि हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करके इस जो कटान बहुत तेज़ी से हर साल हो रहा है इसको रोका जा सके। इसके साथ ही हम लोग ने पूरे गांव में भ्रमण किया। यहाँ पर जो अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की तरफ से जो यहाँ पर एक मेडिकल का कैंप लगाया गया है, उसमें अब तक 146 लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इसको सुनिश्चित किया, एंटी स्नेक जो होता है इंजेक्शन, उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी रहे। मान लीजिए बाय चांस रात के समय या किसी समय कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए वो इनको इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही हमारा जो ये हम लोग खड़े हैं, ये बाढ़ संग्रहालय है, यहाँ पर हम लोग जो है कि मौका पड़ने पे अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है लोगों को, गाँव के लोगों को यहाँ पर ला कर शरण दे सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो किचन चलने की पूरी व्यवस्था है, पूरा खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, खाना बनाने के बर्तन आदि सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आज हमने पूरी टीम के साथ एक कह सकते हैं कि बाढ़ आने की जो पहले की सारी तैयारियाँ होती हैं
उनके संबंध में हम लोगों ने अभ्यास किया। अभी जो पिछले दो दिन से देखने में आ रहा था, आज की तारीख में यहाँ पे लगभग लोग बता रहे हैं कि काफ़ी पानी जो है नीचे उतर रहा है, पानी घट रहा है। तो लेकिन जो बता रहे हैं कि असली जो बाढ़ आती है वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आती है, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया है। यहाँ पर लोगों ने एक कहा कि साहब दोनों गांव के बीच में एक पुल बनना चाहिए, एक पुल की उन्होंने और भी डिमांड किया है। एक जो इनकी सड़क टूट गई थी उसको एडीएम साहब ने अभी तुरंत बनवा दिया है। इसके साथ कुछ इनकी और भी डिमांड थी उसको हम लोगों ने नोट करके इनसे ले लिया है। कोशिश करेंगे जैसे ही पानी उतरता है हम लोग इस पर तेज़ी पे के साथ इस पर कार्य करके जो है इनको वो सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। कोटेदार के माध्यम से भी इस बात को सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, वितरण है, वो समय से पूरा हो जाए। और किसी भी समय जो है कि यहाँ पर अगर पानी बढ़ता है तो उसके पास इतना स्टॉक होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर एक जगह पर 150 से ऊपर कुंटल में हम लोगों ने भूसा सुनिश्चित कर रखा है, कोई बाढ़ आने पर जानवरों को खाने की दिक्कत ना हो। उनके लिए भूसा की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि उनको कोई भी अगर बीमारियां होती हैं उसको भी दूर करने के लिए हमारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और दवाइयाँ भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में रखी हुई हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरी जो हमारी बाढ़ को देखते हुए तैयारियाँ मुकम्मल हैं, गांव वालों से पूछा गया। और सबसे अच्छी बात है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे जो BDO साहब, CMO साहब की पूरी टीम लगातार SDM साहब अपनी टीम के साथ डेली एक बार यहाँ पर ज़रूर आते हैं, गाँव वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, कोई समस्या है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से तैयारियां पूरी हैं और हम अपने जो ग्रामवासियों के साथ इस दैवीय आपदा के समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।